नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी से गिर रहे कच्चे तेल की कीमतों को देखते हुए आज से देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी भारी गिरावट देखने को मिलेगी। बता दें कि पेट्रोल 3 और डीजल 8.50 रुपए सस्ता हो सकता है। वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों ने 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया। आज पोको का नया 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च होगा। ये लॉन्च इवेंट देश की राजधानी दिल्ली में होगा। बता दें कि फोन की थिकनेस 8.32 mm है। फोन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन दिया गया है। साथ ही इसका मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का होगा। वही एक अन्य 2 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर दिया जाएगा। आज से फास्टैग के नए नियम लागू होने जा रहे हैं। बता दें कि अब फास्टैग की KYC अनिवार्य हो जाएगी। कंपनियों को NPCI के नियमों का पालन करना होगा। इन नियमों में 3 से 5 साल पुराने फास्टैग के लिए KYC अपडेट करना और 5 साल से ज्यादा पुराने फास्टैग को 31 अक्टूबर तक बदलना शामिल है। आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 1.29 करोड़ लाभार्थी बहनों के खाते में रक्षाबंधन के मौके पर 250 रुपए अतिरिक्त भेजे जाएंगे। बता दें कि ये राशि प्रतिमा जारी होने वाली 1250 रुपए की राशि से अलग होगी। इसके अलावा लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस रिफिल कराने का लाभ मिलेगा। आज से गाजियाबाद के प्राचीन दूधेश्वर नाथ मठ मंदिर में शिव भक्तों का आना शुरू हो जाएगा। हर साल यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से दूधेश्वर नाथ मंदिर के आसपास डायवर्जन किया गया है। बता दें कि आज से 2 अगस्त रात्रि 12 बजे तक डायवर्जन लागू किया गया है। इस अवधि में 2 पहिया, 3 पहिया और अन्य सभी प्रकार के छोटे वाहनों का रूट डायवर्जन किया गया है। इंदौर में आज से 4 दिवसीय संघ की बैठक है। बता दें कि आज से 4 अगस्त तक संघ के संपर्क विभाग की राष्ट्रीय बैठक में सरकारी वाहन दत्तात्रेय होसबोले और राष्ट्रीय संपर्क प्रमुख रामलाल सहित 2 शीर्ष पदाधिकारी शामिल होंगे। 25 संत्रों में मंथन सभी प्रांत और क्षेत्र संपर्क प्रमुख साल भर के कामकाज की जानकारी देंगे। वहीं 3 और 4 अगस्त को बौद्धिक विभाग की प्रांतीय बैठक होगी। प्रदेश में राजस्थान विद्युत नियामक आयोग ने बिजली के फिक्स चार्जेस बढ़ा दिए हैं। आज से घरेलू श्रेणी के बिजली उपभोक्ता महीने के 25 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले BPL, आस्था कार्डधारी और अन्य घरेलू उपभोक्ताओं को 150 रुपए महीना स्थायी शुल्क देना होगा। वहीं बिजली का चार्ज लगेगा 4.75 रुपए प्रति यूनिट लगेगा। HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में आज से बदलाव किए जाएंगे। क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करने पर आपको ट्रांजैक्शन फीस चुकानी होगी। वहीं अगर आप थर्ड पार्टी ऐप के जरिए ये पेमेंट करते हैं तो ट्रांजैक्शन पर 1% टैक्स लगेगा। इसकी प्रति ट्रांजैक्शन लिमिट 3,000 रुपए सीमित है। देश की कठिनतम धार्मिक यात्राओं में से एक किन्नौर कैलाश यात्रा इस बार आधिकारिक तौर से आज यानी कि 1 अगस्त से शुरू होकर 26 अगस्त तक जारी रहेगी। इस दौरान यात्रा मार्ग में सरकार की ओर से रेस्क्यू टीमें और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं भी उपलब्ध रहेंगी, लेकिन इस यात्रा में श्रद्धालुओं को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ले जाना जरूरी होगा। मौसम विभाग ने दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल लगातार बारिश जारी रहेगी। वहीं दिल्ली NCR में मौसम विभाग ने जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो आइए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। आज ही के दिन 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच शक्तियों का बंटवारा हुआ था। आज ही के दिन 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। आज के दिन सन 1920 में भारतीय राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ था। आज के दिन 1932 में फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 2004 में श्रीलंका ने भारत को हराकर क्रिकेट का एशिया कप जीता था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।